guys, welcome back to my channel. This is Apurva and today I am going to share my fashion haul with you all. So recently I've purchased few things from Brand Factory. Actually it's not a few, it's quite a well. So main yahan pe first time gayi Brand Factory mein. I have heard very good things about the Brand Factory, but मैं वहाँ पे अभी तक गई नहीं थी. बट दिस टाइम आई डिसाइडेड टू गो एंड शॉप. मैं फर्स्ट नासिक के ब्रांड फैक्ट्री में गई. वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्टफ मिले हैं. वहाँ से मैंने टॉप्स खरीदे हैं. और मैं फिर पुणे के ब्रांड फैक्ट्री में भी गई हूँ, विच वॉज ऑल्सो गुड. तो इट्स द डिस्काउंट वॉज गोइंग फ्रॉम 21 जून टू 26 जून. थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे डिस्काउंट चालू रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स रहते हैं. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डिस्काउंट में कुछ खरीदा जाए तो डेफिनेटली यू शुड विजिट. बट आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि बहुत देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको फटाक से कुछ मिल जाएगा. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट परचेज इज दिस टी शर्ट. ओके जस्ट अ मिनट गाइस. तो ये है टी शर्ट एज यू कैन सी, which is very good, you know, which is very good and it fits me very nice. So मैं आपको try on करके दिखाऊंगी. By the way मैंने hair cut किया, मैंने ज़्यादा कुछ short नहीं hair किए, बल्कि मैं सोच रही थी ज़्यादा hair cut करने का, but पता नहीं फिर मैंने trim ही कर लिया. Anywho, तो first t-shirt जो है वो है Alice and May का. I don't know, मुझे ये टी-शर्ट अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया. तो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 1290 गाइज. द स्टफ इज़ वेरी गुड और ये जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत क्यूट लगी है. ठीक है, तो मुझे मिला है ये 50% फ्लैट 50% ऑफ. तो इट्स अराउंड 670-680, इट्स लाइक दैट. तो विच वॉज वेरी गुड डील. The next top which I will show you guys is this. This is the top. ये टॉप मिनरल का है. तो ये है, एक्चुअल प्राइस इसकी थी 1499, दैट इज 1500. और ये मुझे फ्लैट 500 को मिला है. इस पर डिस्काउंट नहीं था, बट सिर्फ ऐसा लिखा था फ्लैट 500. तो आपको जो भी चीज़ें लेनी थी वो ले लो 500 में. इट वॉज ऑल्सो वेरी गुड डील. बाय द वे ओके, ये पहले मैं बताती हूँ, इसकी साइज है L. ठीक है, थर्ड टॉप इज दिस. आई लाइक द कलर, यू नो, मुझे ऑरेंज येल्लो ये ब्राइट कलर जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, तो ये है थर्ड टॉप विच आई टोटली लाइक इट. ये क्वाइट, आई मीन ये बहुत बड़ा टॉप है मेरे लिए, बट अगेन एकदम बॉडी फिटेड मुझे पसंद नहीं है. तो मुझे लूज कपड़े पहनना ज़्यादा मैं कंफर्टेबल सोचती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है मैं उसमें ज़्यादा बेटर लगती हूँ. तो दैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस टॉप. और ये साइज़ है M और इसकी ओरिजिनल प्राइस है 890. ये भी एलिस एंड मे का है, जो मेरा फर्स्ट टी शर्ट था. तो इस पर भी मुझे फ्लैट 40% ऑफ मिला है. तो दिस इज दैट टॉप. आई थिंक यू यू नो, इसके अंदर कुछ पहनना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है. सो दिस इज माई थर्ड टॉप विच आई टोटली लाइक इट. द कलर आई टोटली लाइक इट. The next top is Umbro ka hai, Umbro. So this is that kind of sweatshirt. Again it is white in color. Mujhe white color bhi by the way pasand hai. To ye hai white color mein. Iski size hai XL. Yes. Okay. To iska original price hai 1299 aur ye bhi mujhe flat 50% ko mila hai. Which I'm very happy about it.
next top which I bought from the Nasik brand factory is this. Again, this is yellow in color. My mom was like, तूने दो दो कपड़े इसी नहीं कलर के ले लिए. आई वॉज लाइक आई डोंट नो, मुझे पसंद आते हैं ये कलर. और बाय द वे शेड्स अलग अलग हैं, एज यू कैन सी द शेड्स आर थोड़ा सा तो डिफरेंस है, नहीं बोल सकते, थोड़ा सा तो भी डिफरेंस है. तो ये है मेरा फिफ्थ टॉप. आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दिस थिंग. तो ये है एम साइज में, ये काइंड ऑफ टी शर्ट है बट थोड़ा सा अच्छा लुक दिया है. मटेरियल इज not pure cotton, it's combination of silk and cotton. और इसकी original price है 890, इसकी size है M, इसका color है mustard color. तो 5 tops जो मैंने अभी आपको दिखाए वो मैंने नासिक से लिए हैं. Then I went to the Pimpri Saudagar brand factory which is in Pune. और वहाँ पे मैंने ये कुर्ता लिया है जो है एक तारा का. एज यू कैन सी इट इज इन स्मॉल साइज बाय द वे. इट इज वेरी बेसिक टॉप और सिर्फ नीचे, बट इट गोज लाइक दिस. और इसके नीचे इन लोगों ने इसे पॉम पॉम दिए है, इट इज वेरी फैंसी एज यू कैन सी. And it fits me very well. इसकी ओरिजिनल प्राइस है 1299 और ये भी मुझे 50% ऑफ में मिला था. फर्स्ट जीन्स इज दिस, मैंने एक बार पहन ली है ये जीन्स, मुझे अच्छी लगी. ये है एंकल लेंथ जीन्स, बहुत बेसिक है, इसमें कुछ इतना फैंसी नहीं है. जस्ट कि ये डार्क शेड ब्लू का शेड है और मुझे ब्लू के शेड्स ज़्यादा पसंद है जीन्स में, तो ये मैंने ब्लू जीन्स ली है. ये है ली कूपर की और इसकी साइज़ है 32. ओके, इट फिट्स मी वेरी वेल और अच्छा है, एक बार तो भी मैंने पहना है अभी, तो विच इज़ वेरी गुड. फिर मैंने सेकेंड जीन्स ली है बेयर की और इसकी साइज़ है 30. तो इट डिपेंड्स अगेन, कुछ ब्रांड के जीन्स 32 के लगते हैं, कुछ ब्रांड के जीन्स मुझे 30 के लगते हैं. और इसकी प्राइस है 1699 1700, बट इसके ऊपर भी कुछ 40% ऑफ था, तो ये भी मुझे बहुत सस्ते में मिली है. सो ये फर्स्ट जीन्स की मैंने प्राइस नहीं बताई है, लीक ऊपर वाली. तो इसकी इसकी प्राइस है 2199 और ये भी मुझे 40% ऑफ में मिला है. तो एक्सचेंज वगैरह करके मुझे ये जीन्स पड़ी है 875 को. और जो ये डेनिम है, जो ये बेयर की है, वो कितने की है, ये भी 1699 की है और ये मुझे मिली है 875 को. ओके, तो इट वाज गुड डील फॉर बोथ ऑफ दिस जीन्स. ओके, तो मेरी थर्ड जीन्स है, वो मुझे ना कभी कभी समझता नहीं कि मतलब जब मैं जीन्स लेती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है अरे ये कलर तो ऑलरेडी मेरे पास है, अरे ये कलर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं लूँ क्या, कौन सा कलर लूँ, तो हमेशा ऐसा ही होता है. तो अगेन ये भी मेरी ऐसी जीन्स है, मुझे ऐसा लग रहा है वो लीक ऊपर और ये कलर सेम हो गया है क्या, आई एम नॉट श्योर यार, थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा अलग है. कैमरा में मे बी नहीं दिखेगा. रिकैप का ब्रांड है ये और इसकी साइज है 32. अगेन इट्स 32 और ये मुझे ओरिजिनल इसकी प्राइस है 2299 और इसके ऊपर भी 2299, तो इसको 50% ऑफ था और ये जीन्स मुझे मिली है 1099 में. एज यू कैन सी ये भी मुझे अच्छा लगा यार कलर. अभी मैंने श्री के लिए दो टी शर्ट्स लिए, तो मैं आपको फर्स्ट टी शर्ट दिखाती हूँ, विच इज ब्रांड इज बफेलो, दिस इज दैट. ओके, तो इसकी ये है लार्ज साइज इसकी और इसकी ओरिजिनल प्राइस है 500 है इसकी ओरिजिनल प्राइस और ये मिला है सिर्फ 278 को और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. 278 में मिला बॉस, और क्या चाहिए.
तो ये फर्स्ट टी शर्ट है और सेकेंड टी शर्ट मैंने लिया है उम्रों का उसके लिए विच इज दिस. आई लाइक दिस. ये राउंड नेक टी शर्ट है एज यू कैन सी इट्स वेरी नाइस. इसकी साइज है XL और इसकी ओरिजिनल प्राइस है 800. और ये टी शर्ट कैन यू इमेजिन, ये टी शर्ट मुझे सिर्फ 318 को मिला है. तो ये था मेरा शॉपिंग हॉल और आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया मेरा शॉपिंग हॉल और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज आप देखना पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. It would mean a lot to me. सच में it would mean a lot to me. और लाइक करना मत भूलिए. प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ. और सब्सक्राइब करना और वो नोटिफिकेशन बेल है इधर वो भी करना ताकि आपको समझे मैं जब नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आएगा. वीक में मैं ट्राई करती हूँ एक वीडियो डालना. Please guys support my channel, subscribe. Bye bye.